विगतवार समाचारोनी तो दिल्हीना पूर्व मुख्यमंत्री अने आम आदमी पार्टीना राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तेमनी पदयात्रा दरमियान हुमलो करवानो प्रयास करवाना आव्याना जे समाचार छे ते मळी रह्या छे। आम आदमी पार्टीनो आरोप छे के भाजप द्वारा मोकलवामां आवेला गुंडाओए अरविंद केजरीवाल पर हुमलो करवानो प्रयास कर्यो छे। आपनो आरोप छे के दिल्हीना विकासपुरीमां तेमनी पदयात्रा दरमियान भाजपना गुंडाओए तेमना पर हुमलो करवानो प्रयास कर्यो छे। आपनो आरोप छे के भाजपना गुंडाओए अरविंद केजरीवाल सुधी पहोंची गया हता ने त्यारे पोलीसे भाजपना गुंडाओने रोक्या नहीं। आम आदमी पार्टीना नेता सौरभ भारद्वाजे पण भाजप पर खास आक्षेप कर्यो छे के ईडी अने सीबीआई अने जेमां जेलमां पण वात न बनी तो हवे भाजप वाळाओए अरविंद केजरीवाल पर हुमलो करावाई रह्यो छे ने त्यारे खास जो केजरीवाल ने कई पण थशे तो तेनी जवाबदारी संपूर्णपणे भाजपनी रहेशे तेवुं पण कह्युं छे। केजरीवाल जी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती है, इसलिए वो इस गंदी राजनीति पर उतरकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे केस लगाए, उन झूठे केस में गिरफ्तार किया, जब ईडी से बेल मिलने वाली थी तो सीबीआई से गिरफ्तार करवाया कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, याद कीजिए, एक 30 साल के डायबिटीज के मरीज को भारतीय जनता पार्टी ने इंसुलिन देने से मना कर दिया था। अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन तब मिला जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने सड़क पे संघर्ष किया। अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन तब मिला जब वो कोर्ट गए और कोर्ट से ऑर्डर लेके आए। क्यों रोकी थी अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन? क्योंकि उन्हें पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को इतनी अक्यूट डायबिटीज है कि लंबे समय तक उनकी इंसुलिन रोक देंगे तो उनकी जान पे बनाएगी। आज अरविंद केजरीवाल जी विकासपुरी के अंदर पदयात्रा कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से अरविंद जी जब जब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का अपार प्यार मोहब्बत जो है अरविंद जी को मिल रही है। कल वो हमारे साथ खुद ही जो है कनॉट प्लेस के अंदर एक आइसक्रीम की दुकान पे चले गए, उसके बाद एक पान की दुकान पे चले गए और थोड़ी ही देर में काफ़ी सारे लोग, नौजवान बच्चे बच्चियां, बुज़ुर्ग उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनके पास आए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये किसी भी तरीके से जो है पच नहीं रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। अरविंद जी जेल में थे तो तिहाड़ में उनकी इंसुलिन को बंद किया गया, कोशिश की गई कि उनकी किडनी खराब हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए और अब इस तरीके का हमला बहुत ज़्यादा कायराना है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अरविंद जी जब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान पे कोई भी खतरा होता है, उनका कोई भी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। लगातार उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं।